नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शील। आज देश के पूर्व वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि है। अरुण जेटली ने देश की राजनीति और आर्थिक सुधारों में जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जेटली के लिए देश सबसे पहले थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के बड़े नेताओं और मंत्रियों ने अरुण जेटली को याद किया। देश भारतीय राजनीति के अरुण को नमन कर रहा है। राष्ट्र आर्थिक क्रांति के सूत्रधार का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने अभिन्न मित्र को याद कर रहे हैं। संपूर्ण भारत अरुण जेटली को उनकी पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। ठीक एक साल पहले आधुनिक भारत के कौटिल्य का निधन हो गया था। पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री अरुण जेटली के साथ ही भारतीय राजनीति के एक युग का अस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अरुण जेटली का गहरा लगाव था। दोनों के बीच दोस्ती का अटूट बंधन था। अरुण जेटली मोदी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य ही नहीं थे बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय मित्र भी थे। हर काम में उन्होंने एक नई सोच दी। ऐसे मेरे साथी को मैंने खोया है। ये परिवार तो हमारा ही है, हम सब ने कुछ न कुछ खोया है। अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, इस दिन पिछले साल हमने श्री अरुण जेटली जी को खो दिया था। मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जी ने लगन से भारत की सेवा की। उनकी बुद्धि, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। अरुण जेटली प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीब थे। हर मुश्किल में पार्टी और सरकार को संभालते थे। प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली को याद करते हुए पिछले साल कहा था, मैं हर पल उनकी कमी को महसूस करता हूं। ये व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितनी विविधताओं से भरा हुआ था। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर अरुण जेटली को याद किया। अमित शाह ने लिखा, अरुण जेटली जी एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, शानदार वक्ता और एक महान इंसान थे, जिनकी भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वो बहुआयामी और दोस्तों के दोस्त थे। वो हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किए जाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। अरुण जेटली को याद करती हुई उनकी बेटी सोनाली जेटली बख्शी ने एक तस्वीर के साथ भावुक ट्वीट किया, आज मेरे पिता अरुण जेटली के बिना एक साल हो गया। क्या मुझे उनकी याद आती है? हाँ। क्या मुझे उनकी मौजूदगी याद आती है? कभी नहीं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। आई लव यू डैड। सबके लिए धन्यवाद। अरुण जेटली ने राजनीति से लेकर अर्थशास्त्र तक अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। उन्हें देश में टैक्स क्रांति का पुरोधा माना जाता है। जेटली के देहांत से भारतीय राजनीति, कूटनीति और आर्थिक जगत में जो शून्य बना उसे कभी भरा नहीं जा सकता है। देश कभी अपने इस शानदार राजनेता को भुला नहीं सकता। अरुण जेटली की स्मृति को जी मीडिया परिवार का नमन। अरुण जेटली दोस्तों के दोस्त थे, एक बेहद जिंदा दिल इंसान थे और राष्ट्र प्रेम उनके लिए सर्वोपरि था। उनके लिए जो कहा गया, मोदी का दिल्ली वाला दोस्त, मोदी के मन की बात समझने वाला दोस्त नहीं रहा। मोदी और अरुण जेटली की दोस्ती दिल्ली के पावर कॉरिडोर से शुरू नहीं हुई थी। मोदी और जेटली की दोस्ती मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं शुरू हुई थी। ये दोस्ती दरअसल दशकों पुरानी है। वर्ष 1994 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आ गए थे, तब वो दिल्ली से काफी अनजान थे।
अरुण जी का मेरा संबंध जयप्रकाश आंदोलन से आया है। मैं मानता हूं कि राजनीति में ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन होता है, जो एक्टिविस्ट भी हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, आर्टिकुलेट भी हो, साफ सुथरा भी हो और एक प्रकार का दोस्त इंसान हो, तो अरुण जी उस प्रकार के हैं। मुझे लगता है कि अरुण जी के विषय में ये जिसके भी मन में शक होता है, हो सकता है जिन दिनों में अरुण जी स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उस समय किसी को लगा होगा कि वो अच्छे वकील नहीं बन सकते हैं। उन्होंने वो करके दिखाया, हिंदुस्तान के टॉप के वकीलों में पहुंच गए और बहुत छोटी आयु में पहुंच गए। अरुण जी की सबसे बड़ी बात है ना, जिस काम को दिया जाए उसमें वो खो जाते हैं, बड़ी लगन से काम करते हैं। अब ये जिसके अंदर लगन होती ना, वैसे व्यक्तियों के जीवन में विफलता बहुत कम होती है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों के दाव पेच से वाकिफ अरुण जेटली 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से ही दिल्ली में मोदी के भरोसेमंद बन चुके थे। 2014 के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, तो उस प्रक्रिया में भी अरुण जेटली की खास भूमिका रही। वो जेटली ही थे जिन्होंने मोदी को नेता घोषित करने के रास्ते में आई कुछ मुश्किलों को भी दूर करने का काम किया। इस देश में दो प्रकार की पार्टीज हैं। एक पार्टी वो है जो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, कांग्रेस उसमें सबसे प्रमुख है, और भी दल हैं। दूसरी पार्टीज वो हैं जो मेरिटोक्रेसी की हैं, लेफ्ट पार्टीज और बीजेपी। ये दो एक्सेप्शन हैं जहां डायनेस्टिक डेमोक्रेसी नहीं है, जो मेरिटोक्रेसी में विश्वास रखती हैं। और जहां मेरिट के आधार पर लीडरशिप आएगी वहां नरेंद्र मोदी भी होंगे, वहां शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, सुषमा स्वराज भी हो सकते हैं, वहां नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। आपको 10-15 नेता पूरे देश भर में एनडीए में काबिलियत के इस प्रकार के मिल जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि अरुण जेटली की शादी संगीता डोगरा से हुई, जो कांग्रेस के बड़े नेता गिरधारी लाल डोगरा की बेटी है, जो दो बार जम्मू से सांसद और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ससुर और दामाद यानी गिरधारी लाल डोगरा और अरुण जेटली को लेकर ये बात कही थी। व्यक्तियों की फर्क बहुत ही अच्छी रहती होगी, वो बराबर नाप लेते होंगे कि व्यक्ति ठीक है कि नहीं है। और उसका उदाहरण है उन्होंने जो दामाद चुने हैं। ये उनकी, वरना अरुण जी की विचारधारा को और उनकी राजनीतिक विचारधारा को कोई मेल नहीं था। उसके बावजूद भी कुर्सी दे नया न दे बेटी तो दी। और ये भी विशेषता है कि दामाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते और ससुर दामाद के कारण नहीं जाने जाते। 2014 में अमृतसर से लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उन्हें मंत्रिमंडल में रखा बल्कि उन्हें वित्त और रक्षा जैसे दो बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी दी। शंकर सिंह वाघेला के बीजेपी से विद्रोह के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली भेज दिए गए थे, तब से ही अरुण जेटली और मोदी के बीच की दोस्ती गहरी होती गई। अरुण जेटली यारों के यार थे, अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले शख्स थे, जो दुख की घड़ी में साथ निभाना अपना धर्म समझते थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की हमेशा से चर्चा रही है कि जेटली दोस्ती निभाना बखूबी जानते थे। पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती की लंबे वक्त तक भारतीय राजनीति में चर्चा की जाएगी, उन्हें याद किया जाएगा। मैं मानता हूं कि बीजेपी और एनडीए, जितने ये नाम आज आप देखते हैं, और कम से कम मैं 10-12 नाम देख सकता हूं इस वक्त, इसमें जो बेस्ट अवेलेबल उस वक्त होगा, चुनाव से पहले एक वर्ष में हम लोग तय करेंगे अगर आवश्यकता होगी। लेकिन कई ऐसी पार्टीज हैं तो ये होगा नहीं, मुलायम सिंह जी की पार्टी में होगा नहीं। अब बिहार में क्या हुआ,
अब नीतीश कुमार और सुशील मोदी मेरिट बेस्ड लीडरशिप थी, परफॉर्म किया, एक्सपीरियंस था। एक तरफ लालू पति पत्नी और बेटा, दूसरी तरफ कांग्रेस माँ और बेटा, तो वहाँ के इलेक्टोरेट ने एक प्रकार से डायनेस्टी के आधार पर इन पार्टीज को रिजेक्ट किया। खराब स्वास्थ्य की वजह से ही जेटली ने 2019 का चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने खुद ही घोषणा की थी कि वो नरेंद्र मोदी टीम का सदस्य नहीं बन सकेंगे। अरुण जेटली की विदाई के साथ ही सियासत के अरुण युग का अंत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको अरुण जेटली के साथ जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं। जब अरुण जेटली से राम मंदिर बनाने और 370 को हटाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, इसे आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर और 370 को लेकर अरुण जेटली क्या सोचते थे। 5 साल आपको मिले क्योंकि पूर्ण बहुमत 30 साल के बाद किसी पार्टी को मिला 2014 में, और 3 बड़े वादे आपने किए थे, धारा 370 किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड किया था और राम मंदिर किया था। ये 5 साल में अगर आप इनको इनमें से 1-2 वादों को भी पूरा कर देते तो शायद लोग कहते हैं आपकी 50-100 सीटें और बढ़ जाती। ये मैनिफेस्टो के वादे नहीं होते, ये हमारी मूल विचारधारा का अंग है। अयोध्या का विषय अदालत में है और अदालत में जो विषय है वो एक प्रकार से आगे बढ़ रहा है। हम चाहेंगे राम मंदिर बने, हम उसके पूर्ण समर्थक हैं और कोर्ट में पूरा प्रयास करेंगे हम वकालत के माध्यम से जो भी पक्ष रखा जाएगा कि राम मंदिर बने। जहां तक कश्मीर का सवाल है, हम आज भी मानते हैं कि कश्मीर का जो संवैधानिक ढांचा बनाया गया था पंडित जी के जमाने में वो गलत था। आज हम काफी आगे बढ़े हैं। इस राज्यपाल के कार्यकाल में हमने कितने ऐसे कानून हैं जो लागू नहीं थे कश्मीर में लागू कर दिए। आपको कल्पना है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। हमने सैकड़ों लोग जिनको सिक्योरिटी मिली हुई थी और देश के खिलाफ बोलते थे, सैकड़ों ऐसे जिनको सिक्योरिटी मिलने का कारण ही नहीं था, सिक्योरिटी हटा दी। 2 प्रमुख संस्था जमायत इस्लामी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो जहर फैलाते थे अलगाव का, और एक प्रकार से जमायत इस्लामी से वो काडर निकलता था जो सेपरेटिस्टों का होता था, हमने प्रतिबंधित कर दिया, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। हमने NIA, इनकम टैक्स, इन सब माध्यमों से जो ये अनऑथराइज फंडिंग थी टेरर के लिए उसके छापे शुरू कर दिए। आज वहां स्टोन थ्रोइंग नहीं हो रहा, आज वहां हजारों में लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, वहां की जनता शांति चाहती है और जनता शांति चाहती है और उनको लगता है कि ये लोग एक प्रकार से कन्फ्रंटेशन करके उसको खत्म करते थे। आज वो हड़ताल भी करते हैं तो उसका असर पहले से कम है। मुझे लगता है कि देश इसमें जो पहली बार ये उदाहरण मिल रहा है कि कश्मीर में अभी तो सॉफ्ट तरीके से चलो नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे, अब एक दूसरा तरीका है, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करो, लोगों को पीस और शांति दो, अपना विकास करना, अपनी शिक्षा करना, अपना रोजगार व्यवसाय करना, उसकी सहूलियत दो और लोग उसमें खुश हैं। आज कश्मीर में जाके जनमत करवा लीजिए, लोग कहेंगे ये जो गवर्नर राज का वक्त आया है राष्ट्रपति शासन का, ये उन पार्टियां जो चला रही थी उससे कहीं बेहतर है। सुना आपने, अरुण जेटली ने 2 सपने देखे थे, एक जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा और दूसरा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, और आज उनके ये दोनों ही सपने पूर्ण हो चुके हैं। अब आपको सुनाते हैं कि अरुण जेटली कैसे मोदी सरकार और बीजेपी के संकट मोचक थे, हर मुद्दे पर कैसे वो सरकार को बचाते थे और कैसे हालात को संभाल लिया करते थे। नोटबंदी के बाद संसद में चर्चा के ये वो पल हैं जहां अरुण जेटली प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुलकर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यही अरुण जेटली का स्वभाव भी था। अरुण का मतलब अंग्रेजी में होता है यूरेनस, जो सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, लेकिन उसकी खासियत होती है वो ठंडा होता है। यही अरुण जेटली का भी मिजाज था।
तेवर दिखाते थे लेकिन भाषा का संयम बना रहता था। देखिए नोटबंदी के दौरान जब नरेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर कैबिनेट को विश्वास में नहीं लेने का आरोप लगाया था तब अरुण जेटली ने क्या जवाब दिया था। शायद प्रधानमंत्री जी आपके दल वाले सत्ता तरह, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपने तो वित्त मंत्री तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कितना सच है? अगर कॉन्फिडेंस में लिया होता तो अरुण जी हमको जरूर कान में बता देते, मान नहीं सकते मैं इस आधार पर। You must conclude now. You are taking the time of other speakers. 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में लौटी बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार में जेटली को वित्त और रक्षा मंत्रालय सौंपा गया। इसके अलावा उन्हें कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री का जिम्मा भी दिया गया। अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहने के दौरान मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की घोषणा की। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 500,000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया। इन्हीं के कार्यकाल में GST भी लागू की गई। माना जाता है कि वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली ने नोटबंदी और GST जैसे मोदी सरकार के फैसलों में अहम भूमिका निभाई। ब्लैक मनी के खिलाफ मूवमेंट हो ये एक डिमांड रही है। अडवाणी जी ने यात्रा की, बाबा रामदेव ने पूरा आंदोलन किया, अन्ना हजारे के आंदोलन का भी एक ये मूल हिस्सा रहता था। और बाबा रामदेव इसको बार बार कहा करते थे कि स्मॉल करेंसी डिनोमिनेशंस में जाइए, प्लास्टिक करेंसी की तरफ जाइए। और वो उदाहरण विदेशों का देते थे, जैसे लोग अब इंग्लैंड में सबसे बड़ा नोट 50 पाउंड का है, US में $100 का है, तो इसलिए इस तरह के वो उदाहरण देते थे। लेकिन हिंदुस्तान में केवल एक कदम उठाने से ये समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। जब 1 जुलाई 2017 को केंद्र और राज्यों में 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स की जगह GST लागू किया गया तब जेटली ही वित्त मंत्री थे। We will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The new India will create one tax, one market and for one nation. विपक्ष ने जब रफाल की कीमतों को मुद्दा बनाया तो सरकार की तरफ से विपक्ष पर जवाबी पलटवार भी अरुण जेटली ने अपने अंदाज में ही किया था। मेरा ये आरोप है कि UPA सरकार ने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की। 2001 से फौज मांग कर रही थी और 2012 में मंत्री जी लिखते हैं कि मैं रफाल को मंजूरी देता हूं, लेकिन जिस प्रक्रिया से ये तय किया है उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए। ये 2012, 2014 तक कुछ नहीं हुआ। बीजेपी जिन मुद्दों में गठन के बाद से ही विश्वास रखती आई है उन पर भी अरुण जेटली ने खुलकर पार्टी के पक्ष में जोरदार आवाज उठाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जेटली ने कई बार पक्ष रखा। जब इस देश का संविधान बन रहा था तो उस वक्त भी संविधान के आर्टिकल 44 में ये लिखा गया था कि देश का प्रयास होगा, स्टेट का प्रयास होगा कि इस देश के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। निजी जीवन के लिए जो कानून है वो सामान्य प्रत्येक नागरिक के लिए हो, और दुनिया के लगभग हर देश में जो उस देश के नागरिक हैं उनके ऊपर कानून एक प्रकार का लागू होता है। क्योंकि इस देश में कुछ उस वक्त लोगों को समस्याएं लग रही थी तो इसलिए संविधान सभा ने यह कहा कि स्टेट शैल एंडेवर टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभूतपूर्व प्रतिभाओं के धनी थे अरुण जेटली और आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और अपने इस विशेष कार्यक्रम के तहत जी न्यूज भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं लेकिन लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे 1:55 पर बंगाल से गुजरात तक बारिश का डर। वे सर्व मित्र थे, वे सर्व प्रिय थे, और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे।
Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.